वेलकम बैक। मैं हूँ आपका अपना राजबर, आज आपके सामने यामा MT-15 ब्लैक ब्यूटी मुड़चंद गाने वाले। इसके अंदर जैसे भैया टक चुके थोड़ा सा पीछे हो जाइए, हाँ तो मुड़चंद गाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर दिखाएंगे वाइजर जो कि गोल्ड कलर का लगा देगा, गोल्ड एंड ब्लैक, ये होगा गोल्ड ट्रांसपेरेंट, मतलब इसमें शक्ल दिखाई दे रही है, इतना ज़्यादा शाइन मार रहा है, मिरर क्वालिटी है जो इसके अंदर इंस्टॉल किया गया। ब्लैक कलर का आपका ये हो गया और साथ में इसमें लगाई गई है विंगलेट, आप देख सकते हैं ये लुक को करती है काफ़ी इनहेंस, और गाड़ी के जो रेड कलर के आपके अलॉयज हैं उससे मैच कर देगी इसकी विंगलेट। इधर आपको दिखेंगे आइस जो कि इसकी आइस बना दी गई, देख सकते हैं चाबी ऑन करते ही आइस आपकी रेड हो चुकी है। साथ में इधर लगी है बॉडी DRL जो कि आपको देखने के लिए फ़ोन से कनेक्ट है, ये होती है फ़ोन से कनेक्ट वाली RGB लाइट्स जो कि आपको मिलती है MT-15 की ब्रांडिंग के साथ। ये MT-15 इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, और साथ में आपको मिलेगा इस तरफ भी देख सकते हैं, ये रहा इधर भी मिलेगा MT-15। अब दिखाता हूँ इसका कलर जो कैसे चेंज होते हैं, ये देखिए ये है इसका फ़ोन और ये हो गया इससे कनेक्ट। कलर चेंज करें सिंपली आपने बटन देख, रेड पे ग्रीन पे ग्रीन, रेड पे रेड, येलो पे येलो, हो जाए येलो, क्या हो गया मजाक कर, मतलब इसके पैटर्न वाला लगा हुआ है इसके अंदर। ये आपका हो गया स्काई ब्लू, ये आपका हो गया ब्लू, ये आपका हो गया पर्पल, और ये इसके कलर लो करने के लिए, ये कलर डार्क करने के लिए, ये देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी इसको एडजस्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं। ये देखिए इससे भी आप कलर चेंजिंग कर सकते हो कोई सा भी, और साथ में ना इसके अंदर इंडिकेटर का ऑप्शन भी होता है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए ये इंडिकेटर चलेगा, ये देखिए ये इंडिकेटर ऑन करेंगे तो आपका हो गया इंडिकेटर के साथ आपका येलो, सेम आपको इधर मिलता है और सेम आपको मिलेगा इधर भी, चाहे वो मल्टी कलर हो चाहे कोई सा भी कलर हो। चार लाइट होती है इसके अंदर, 1, 2, 3 और एक मिलेगी आपको इस तरफ, चार, ये चार लाइटों का सेट होता है, इसे कहते हैं बॉडी DRL जर्मन यामा MT-15 की। तो RGB कनेक्टिंग आपको दिखा दी मैंने, इसको देते हैं भैया को, और अब इसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर लगाया गया फॉग लैंप जो कि आप देख सकते हैं, ये इसकी फॉग चाबी ऑन करने के बाद इसका करते हैं बटन ऑन। ये देखिए ये आपके कोई डेविल वाली है, रेड हो गया, फिर इसका आपका वाइट हो गया, फिर उसके बाद आपका वाइट के बाद दिखाएंगे तो आपको येलो, फिर आपका होगा येलो वाइट, फिर उसके बाद ब्लिंक, येलो वाइट प्लस ब्लिंक। तो ये इसके मल्टीपल फंक्शन है जो इसके अंदर लगा दी गई है फॉग लैंप, इसे कहते हैं मिनी ड्राइव डेविल वाली, तो डेविल वाली मिनी ड्राइव 5 फीचर के साथ इसमें लगा दी गई है। साथ में आपको मिलता है नंबर फ्रेम, इससे आपकी नंबर प्लेट होती है पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि मेटल वाला है, इसे लगाने के बाद ना ही कोई प्लेट तोड़ सकता है ना ही मोड़ सकता है, तो फुल्ली रहती है पूरी तरीके से सेफ इसे लगाने के बाद। और नीचे दिखाऊंगा आपको इसके अंदर लगा दिया गया है, ये है इसके फॉर्क प्रोटेक्शन, ये है इसके फॉक्स लैडर, ये फॉर्क प्रोटेक्शन फॉक्स लैडर, इससे आपका शॉकर्स और नीचे डिस्प्ले वगैरह पूरा कंप्लीट हो जाता है सेफ, क्योंकि इसे लगने के बाद ना कोई भी टक्कर वगैरह मारता ना साइड से या आगे से तो आपका मडगार्ड या शॉकर ये डैमेज होने से पूरी तरीके से बच जाता है, साथ में डिस्प्ले भी पूरी तरह सेफ हो जाती है। और सेम आपको मिलता है इधर, सेम आपको मिलेगा इस तरफ भी, इधर फुली सेफ्टी के साथ, और ये गोल्डन गोल्डन, भैया गोल्डन ज़्यादा पसंद है इसीलिए वो बता, भैया ने गोल्डन कपड़े नहीं पहने, वो दिखाऊंगा भैया से मिलवाऊंगा बाद में। और उसके बाद इसमें लगा देंगे आपके हैंड गार्ड जो कि बर्ग वाशी हैंड गार्ड है, ये आपका जिसमें ब्लैक एंड कार्बन की, सॉरी वाइट एंड कार्बन की मैचिंग के साथ लगा देगा। चाबी ऑन करते हैं तो आपका जलेगा ब्लू, और आजा भाई ये हो गया ब्लू, और अब जलाते हैं इंडिकेटर, देखते हैं, ये देखिए इंडिकेटर जलते ही इसका हो जाता है ऑरेंज, इंडिकेटर इंडिकेटर और इंडिकेटर और इधर भी इंडिकेटर, इतने सारे इंडिकेटर लगा दिए गए हैं कि बस पूछो मत, खुद को नज़र आएगा साथ में सामने का पूरा नज़र आएगा, इंडिकेटर जल रहे हैं इसके। तो ये इंडिकेटर वाले मिरर भी इसके अंदर लगा दिए गए हैं, साथ में हैंड गार्ड हो गया आपका जिससे आपके लीवर और आपके हैंड ये दोनों होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। और ये हैं बर्ग बस्टर के हैंड गार्ड, इससे ना ही टूटेंगे ना ही खराब होंगे क्योंकि अनब्रेकेबल होती है, और साथ में इसमें मिलती है रॉड मेटल वाली, पूरी मेटल वाली रॉड मिलती है, एल्युमिनियम का आपको मिलता है बेस जिससे फिट होता है, तो लुक अप देखो क्या जबरदस्त आ रही है। साथ में इसमें दिखाऊंगा हैजार्ड, ये देखिए इंडिकेटर ऑन करते ही ये आपका हो गया हैजार्ड ऑन, और हैजार्ड ऑन होने के बाद आपको देख सकते हैं मिरर लाइटिंग वाले जो कि इधर भी लाइटिंग मिलती है और साथ में मिलती है आपको अंदर की तरफ भी लाइट्स, ये देख सकते हैं इधर भी आपको लाइट मिल जाती है दोनों में, और सेम इधर मिलेगा आपको इस तरफ भी, ये उतारते हैं पन्नी इसकी, ये देखिए लुक काफ़ी जबरदस्त आ रही है लगने के बाद। और जब सामने से आप व्यू देख करोगे ना, देखो आप सामने से देखो भाई सब गजब लुक, मैं बैठ के दिखाता हूँ भाई, मतलब जो राइड करने वाला ना बंदा उसको तो पूरा मज़ा आएगा, साथ में जो देखने वाला ना उसको भी मज़ा आएगा कि ये क्या बवाल बना दिया गया है। बवाल कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, आपके लैंग्वेज में क्या बताना, मुझे कमेंट करो कि आपकी लैंग्वेज में क्या कहेंगे ऐसे। और साथ में इसमें लगा देंगे लीवर जो कि आप देख सकते हैं, वैसे आपको गिरने को नहीं कहा मैंने, आप बैठे रहो, तो ये लगा देंगे लीवर इसके अंदर, कैमरा फोकस करो, हाँ ये इसके लीवर हैं, इसे आप फोल्ड, ये देखिए फोल्ड भी हो जाते हैं और ये एडजस्ट भी हो जाते हैं अपनी फिंगर के अकॉर्डिंग जैसे मर्जी। तो ये हैं इसके लीवर जो गोल्डन, मैंने बताया गोल्ड, भैया गोल्ड बहुत पसंद है इनके, घर पे चोरी करनी पड़ेगी मुझे गोल्ड की, गोल्ड की खाने लग रहा है इनके पास, ये रहे भैया गोल्ड वाले दोनों
तो ये इन्होंने लगवा दिए हैं इसके अंदर लीवर गोल्ड कलर के, जो कि आपके एडजस्टिंग प्लस फोल्डिंग वाले होते हैं आपके लीवर। और अब दिखाता हूँ इसके अंदर एक और गोल्ड, ये देखिए एक और गोल्ड, इसे कहते हैं की कवर, ये है की कवर। और जरूरी है गोल्ड आप लेना है, कोई भी कलर लेना है तो सारे कलर हमारे पास अवेलेबल है हर चीज़ के अंदर। तो आपका ये हो गया की कवर। अब दिखाता हूँ आपको रेडिएटर गार्ड, एक और गोल्ड, ये देखिए ये हो गया इसका रेडिएटर से, आपका रेडिएटर होता है पूरी तरीके से, क्योंकि जब भी गाड़ी चलती है चलने के बाद क्या होता है कोई भी डस्ट वगैरह या फिर डस्ट नहीं तो पत्थर वगैरह आता है तो आगे लगता है रेडिएटर पर, तो रेडिएटर डैमेज हो जाता है। रेडिएटर डैमेज होने के बाद समझ लो गाड़ी आपकी हो जाएगी स्टॉप, क्योंकि वो डैमेज हुआ तो वहाँ से ऑल कूड़ा आपको पूरा निकल जाएगा, गाड़ी आपकी ओवरहीट हो गई समझ लो गाड़ी स्टॉप। तो उसको बचाने के लिए रेडिएटर गार्ड लगा दिया गया इसके अंदर जो गोल्ड कलर का, बाकी चाहो तो आप इसके अंदर और भी कोई कलर ले सकते हो साथ में इसमें लगा दे गोल्ड कलर ईयर डक, इसे ईयर जाली भी कहते हैं, दोनों तरफ लगा दिए गए, इससे आपकी लुक होती है इनहेंस। और अब देख सकते हैं लुक की वजह से ज़्यादा चलता है। और इसके बाद दिखाएंगे क्रैश गार्ड, ये है फुल बॉडी क्रैश गार्ड जो कि लगा दिया गया इसके अंदर, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का बिग साइज़ का इसके अंदर लगाया है आपका क्रैश गार्ड। ये मिलता है आपको दोनों तरफ, इधर भी और साथ में मिलेगा आपको इस तरफ भी, ये देख सकते हैं ये दोनों तरफ लगा दिए गए। इससे आपके टैंक टीपीएफसी और साथ में खुद के लैग्स भी होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको गोल्ड की, ये देखिए गोल्ड एंड ब्लैक, ये है इसका साइड स्टैंड जैकेट जो कि इसके अंदर लगा दिया गया है। इससे जब भी गाड़ी खड़ी करते हैं ना, देखो ये सिंपली खड़ी हो गई, अब क्या हो गया अगर वो कहीं कीचड़ में मिट्टी वगैरह में कहीं भी खड़ी करते हैं ना तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो जाती है बहुत बड़ी। आइए भाऊ जी, जय माता दी भाऊ जी, बात नहीं हो आई गई तो पूरी बात ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये इसके अंदर लगा दिया गया है, इससे जैसे खड़ी करने के बाद क्या होता है जब भी आपकी डस्ट वगैरह मिट्टी वगैरह के अंदर कहीं भी जाती है तो क्या होता है गाड़ी स्किट होने का खतरा होता है साइड स्टैंड से, तो इसे लगाने को आपकी स्किट बिल्कुल भी नहीं हो सकी, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि ये जो जैकेट है ये प्रॉपर इसी की है, कोई आपका जुगाड़ नहीं, कोई अल्ट्रेशन नहीं, सिंपली इजी टू फिट, कहीं भी आप इसे फिट कर सकते हो जो कि इसके अंदर लगा दी गई है। और अब दिखाता हूँ आपको इसके अंदर सीट कवर जो कि कर दिया गया है विद कुशनिंग, आपका कार्बन का सीट कवर, लुक आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त है लगने के बाद। और एक चीज़ और दिखाऊंगा इसके अंदर, आप देख सकते हैं ये है इसका टॉप रैक जो कि जर्मन फिटिंग के साथ है, लेज़र कटिंग वाला, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लगा देगा इसका टॉप रैक, ये कहीं जाने वाला नहीं, टूटने वाला नहीं बिल्कुल ही। और इसे लगाने के बाद सिंपली आपने टॉप बॉक्स लगाए कोई सा भी और टॉप बॉक्स लगा के ले जाइए किसी भी राइड पर, इजी टू राइड आपकी हो जाएगी इसे लगाने के बाद। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये इसका शार्पिन मरगार्ड, इसे हम रियर फेंडर मरगार्ड भी कहते हैं, ये इसके अंदर लगा दे, इससे जितनी भी डस्ट वगैरह होती है ना जो आगे शॉकर पे देखते हो बिल्कुल भी डस्ट नहीं है, ये लगाने के बाद वैसे कंट्रोल, तो इसलिए लगाया जाता है आपका शार्पिन मरगार्ड। और साथ में आपको दिखाऊंगा इसके अंदर एमटी फिटिंग पुरानी हो चुकी है, देख सकते हैं ये इसके साइलेंसर पेड, ये देख रहे हो यहाँ पर निशान आ गए हैं, अब ये निशान अगर जो आप ये नहीं लगा रखे ना भैया ने तो सारे निशान आता है साइलेंसर पर, तो साइलेंसर की प्लेट आपकी हुई थी ख़राब पूरी तरीके से, तो उसे बचाने के लिए लगा दी गई है इसके अंदर आपके साइलेंसर प्लेट। और आई होप मुझे लग रहा है यहाँ तक मैं सारी दिखा चुका हूँ, क्या रह गया, नहीं वो तो लगा हुआ है, आओ आओ। एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा इसके अंदर लगा दिए गए, बहुत ही खूबसूरती खूबसूरती से दिखने वाला आपका बहुत ही बिग साइज के अंदर आपका लगाया लेडीज़ फुटरेस्ट जो कि इसमें इंस्टॉल कर दिया गया, इजी टू इंस्टॉल्ड है। और इसे लगाने के बाद कोई भी लेडीज़ या जेंट्स ईजीली इसके अंदर बैठ कर अपना राइड कर सकते हैं आराम से, कोई बहुत ही बड़ा साइज़ है इसके अंदर लगा दे, वैसे छोटा भी आता है इसके अंदर, बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का उसके अंदर यूज़ किया गया है। और अब ये तो थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन, अब मिलवाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको हमारा काम कैसा लगा।